justice! We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! हैदरपुरा में जो वाकया अंदोनाक वाकया पेश आया है, हमारी तंजीम पीपल्स कॉन्फ्रेंस चाहती है कि इसकी जानबदाराना तहकीकात हो और सेंसिटिव लोगों को, कश्मीर के लोगों को एहसास इंसाफ का दिया जाए, इंसाफ किया जाए, इंसाफ का राज कायम किया जाए। मैं समझता हूं हमारी तंजीम के कायद सजागनी लोग साहब ने जो बात कल करी है, इस मुल्क का गार्डियन, इस मुल्क में रहने वाले 130 करोड़ लोगों का गार्डियन प्राइम मिनिस्टर होता है। यहाँ जो बेटी बैठी थी कल से, यहाँ जो शीरखार बच्चे बैठे थे एहतजाज पे, हम समझते हैं कि ये एहतजाज उनकी डिमांड, उनका रखवाला प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, और उनकी जो अपील है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को जाती है। हमें यकीन है जो सज्जा साहब ने जो कल बयान दिया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज ए गार्डियन ऑफ द कंट्री शुड कम फॉरवर्ड एंड लिसन एंड द वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर। जो कल यहाँ पे वाका हुआ है हैदरपुरा में, उसकी गैर जानबदाराना तहकीकात हो, लाशें वापस ली जाए, और जो मजहबी रसूमात के तहत लोगों को मरने का भी हक ना दिया जाए, तो एक इंतहाई जुल्म की बात होती है। हमारी डिमांड है कि मुर्जा को लाशें वापस कर दी जाए और तहकीकात, इस मामले की पूरी तहकीकात की जाए। जरूर।